वचन सत्य वचन अमर वचन जीवित वचन दिव्य वचन सत्य वचन अमर वचन जीवित वचन साईं बाबा बनी बाबा बगरी जनी 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 सा दिव्य वचन सत्य वचन अमर वचन जीवित वचन दिव्य वचन दिव्य वचन सबको जय यीशु की। रिजनों, ये अत्यंत खुशी का मौका है कि हम प्रातः की बेला में प्रभु का वचन सुनने के लिए अपने आप को तैयार करते हैं। प्रभु का वचन हमारे जीवन में आशीषें और अनुग्रह लेकर आता है। आज हम चर्चा करेंगे दिव्य वचन के माध्यम से कि प्रभु हमसे क्या बातें करना चाहता है। इब्रानियों का पत्र अध्याय 1 पद संख्या 5 और उससे आगे, तुम मेरे पुत्र हो, आज मैंने तुम्हें उत्पन्न किया है और मैं उसके लिए पिता बन जाऊंगा और वह मेरा पुत्र होगा। फिर वह अपने पहलौठे को संसार के सामने प्रस्तुत करते हुए कहता है कि ईश्वर के सभी स्वर्गदूत उसकी आराधना करें, जबकि वह स्वर्गदूतों के विषय में यह कहता है कि वह अपने दूतों को पवन बनाता और अपने सेवकों को धधकती आग। किंतु पुत्र के विषय में वो ये कहता है, ईश्वर तुम्हारा सिंहासन युग युगों तक बना रहता और उसका राजदंड न्याय का अधिकार दंड है। तुमने न्याय का पक्ष लेकर अन्याय से बैर किया, इसलिए ईश्वर तुम्हारे ईश्वर ने तुमको साथियों के ऊपर उठाकर आनंद के तेल से तुम्हारा अभिषेक किया है। और फिर प्रभु तुमने आदि में पृथ्वी की नींव डाली, आकाश तुम्हारे हाथों का कार्य है, वे तो नष्ट हो जाएंगे किंतु तुम बने रहते हो, वे सब वस्त्र की तरह पुराने हो जाएंगे, तुम चादर की तरह उन्हें समेट लोगे, वे वस्त्र की तरह बदल दिए जाएंगे किंतु तुम एक रूप रहते हो और तुम्हारे वर्षों का अंत नहीं होगा। क्या उसने स्वर्गदूतों में से कभी किसी से यह कहा, तुम तब तक मेरे दाहिने बैठे रहो जब तक मैं तुम्हारे शत्रुओं को तुम्हारा पावदान न बना दूं? क्या सब स्वर्गदूत परिचारक नहीं हैं जो उन लोगों की सेवा के लिए भेजे जाते हैं जो मुक्ति के अधिकारी होंगे? प्रियजनों, इस वचन के माध्यम से आज प्रभु हमें बताना चाहते हैं कि परमेश्वर ने यीशु मसीह को क्या अधिकार दिए हैं। परमेश्वर ने यीशु मसीह को सारी सृष्टि पर, सारी मानव जाति पर अधिकार दिया है। पवित्र धर्मशास्त्र बाइबल इस बात को प्रमाणित करती है। इसलिए एक विश्वासी का भरोसा प्रभु यीशु में ऐसा रहना चाहिए कि जैसे पानी और मछली का रिश्ता होता है। यदि मछली पानी के बाहर रहेगी तो तड़फ तड़फ कर मर जाएगी, और यदि एक भक्त, एक विश्वासी ईश्वर से दूर रहेगा तो वह भी संकटों में, कष्टों में अपना जीवन व्यतीत करेगा और आहें भरता रहेगा। तो आप लोगों को पवित्र बाइबल आज ये बताना चाहती है कि जिस प्रभु की हम आराधना करते हैं उसे पिता ईश्वर ने कितने अधिकार दिए हैं। उसने उसके चरणों में सब कुछ डाल दिया है। हम कुछ बातों पर मनन चिंतन करना चाहेंगे कि पिता ईश्वर ने यीशु मसीह को समय पर अधिकार दिया। यीशु मसीह को समय पर अधिकार था। प्रकाशित वाक्य अध्याय 1 पद संख्या 8 में बाइबल हमें बताती है कि जो है, जो था और जो आने वाला है, वह सर्वशक्तिमान प्रभु ये कहता है, अल्फा और ओमेगा मैं हूं,
मैं उसे देखते ही मृतक के जैसे उसके चरणों पर गिर पड़ा। उसने मुझ पर अपना हाथ रखकर कहा, डरो मत, प्रथम और अंतिम मैं हूं। डरो मत, प्रथम और अंतिम मैं हूं। जब योहन ने यह दिव्य दृश्य देखा तो वो मृतक के जैसे मुंह के बल गिर पड़ा और एक मनुष्य ने उस पर आकर हाथ रखा और उसे सांत्वना दी, डरो मत, आदि और अंत मैं हूं, प्रथम और अंतिम मैं हूं। अध्याय 2 पद संख्या 8 प्रभु का वचन ये कहता है कि जो प्रथम और अंतिम है, जो मर गया था और पुनर्जीवित हो गया है, वो प्रियजनों यीशु मसीह है। यीशु को समय पर अधिकार है, इसलिए बाइबल इसके विषय में कहती है प्रकाशित वाक्य अध्याय 1 पद संख्या 6 में कि उसकी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। तो हम लोग जो प्रभु से निरंतर प्रार्थना करते हैं, हम इन बातों को अपने जहन में रख कर प्रार्थना करें, इन बातों पर दृढ़ विश्वास करके प्रार्थना करें कि जो आप मन्नतें प्रभु से कर रहे हैं, जो निवेदन आप प्रभु से कर रहे हैं, उनका उत्तर देने के लिए वो सदा तैयार है, क्योंकि वो जीवित है, क्योंकि उसे समय पर अधिकार है, क्योंकि पिता ईश्वर ने उसे धरती के ऊपर, आकाश के ऊपर और सारी सृष्टि के ऊपर अधिकार दिया है। इसलिए वो हमारी प्रार्थनाओं को सुनता, कबूल करता है और उसे पूरा करता है। प्रेरितों का कार्यकलाप अध्याय 1 पद संख्या 7। ईसा ने उत्तर दिया, काल और मुहूर्त जो पिता ने निर्धारित किए हैं, उन्हें तुम्हें जानने का अधिकार नहीं है। वो केवल और केवल मानव पुत्र को ये अधिकार दिया गया है कि वो काल और मुहूर्त को पहचाने। इसलिए एक विश्वासी को इन वचनों पर विश्वास करके अपनी प्रार्थनाओं को प्रभु के चरणों में प्रकट करना चाहिए, ना कि केवल यूं ही हम आए, घुटना टेके, बिना सोच विचार के हम अपनी मन्नतें अर्पित करें और चले जाएं। नहीं, जब तक हमें ये मालूम नहीं होगा कि जिससे हम मांग रहे हैं उसका सामर्थ्य कितना है, तब तक हमारा विश्वास भी अधूरा रहता है। तब तक प्रियजनों हम प्रार्थना में भी पूरे नहीं रहते हैं और तब तक हमारी प्रार्थनाएं भी कबूल नहीं होती हैं। दूसरा अधिकार पिता ईश्वर ने यीशु मसीह को दिया इस सृष्टि के ऊपर, जिसके विषय में बाइबल कहती है योहन के सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्या 1-3 में कि आदि में वो शब्द था, शब्द ईश्वर के साथ था, वह आदि में ईश्वर के साथ था और सब कुछ उसके द्वारा उत्पन्न हुआ, उसके बिना कुछ भी उत्पन्न नहीं हुआ, उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्यों की ज्योति था। तो सृष्टि यीशु मसीह के द्वारा उत्पन्न हुई, क्योंकि वह पिता ईश्वर के मुख से निकला हुआ शब्द था और उसी के द्वारा सब कुछ सृजित किया गया है। उसके बिना कुछ भी सृजित नहीं किया गया और इस बात को संत पौलुस कुरिन्थियों को लिखते हुए अध्याय 1 पद संख्या 16-17 में कहता है, सब कुछ उनके द्वारा सृष्ट किया गया है, चाहे वह स्वर्ग में हो, चाहे वह पृथ्वी में हो, चाहे वह अदृश्य हो या दृश्य हो, स्वर्गदूतों की श्रेणियां भी, सब कुछ उनके द्वारा इस संसार में आया है। तो इन बातों से प्रमाणित होता है कि यीशु मसीह को पिता ईश्वर ने सृष्टि पर अधिकार दिया है। तीसरा अधिकार प्यारे भाइयों और बहनों, बाइबल हमें बताती है पिता ईश्वर ने यीशु को दिया, इब्रानियों के पत्र अध्याय 1 पद संख्या 5 और उससे आगे हम पढ़ते हैं कि क्या ईश्वर ने कभी किसी स्वर्गदूत से यह कहा कि तुम मेरे पुत्र हो, आज मैंने तुम्हें उत्पन्न किया और मैं उसके लिए पिता बन जाऊंगा और वह मेरा पुत्र होगा। केवल उसने यीशु मसीह से कहा कि तुम मेरे पुत्र हो, आज मैंने तुम्हें उत्पन्न किया है, और वो अपने पिता के प्रति ईमानदार रहा,
इतना ही नहीं, प्रकाशित वाक्य अध्याय 2 पद संख्या 1 में हम पढ़ते हैं कि जो अपने दाहिने हाथ में 7 तारों का मुकुट धारण किए हुए हैं और 7 दीपाधारों के बीच में वो घूम रहा है, वो प्यारे भाइयों और बहनों प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग में मौजूद है और वो हम सब के लिए प्रार्थना करता और बिछवाई करता है। इसलिए जब हम उसके पास जाते हैं तो हम इस विश्वास और भरोसे के साथ हम अनुग्रह के सिंहासन के पास चलें कि वहाँ से हमें दया मिले और वो दया हमारे लिए हमारी आवश्यकताओं में हमारी सहायता करेगी। आज का ये सुंदर दिन, आपके मन में कितने ही विचार होंगे, शायद आपने बहुत सारी योजना बनाई होंगी। हो सकता है कि कुछ योजनाएं पूरी हों या कुछ पूरी ना हो पाए। हो सकता है कि आज आपको कोई व्यक्ति कष्ट पहुंचाए, यह भी हो सकता है कि आज आपको कोई व्यक्ति बहुत अधिक आनंद दे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा परमेश्वर जो सच्चा है, जिससे हमें अनुग्रह मिलता है, वो हमारी हर चीज को, हर आवश्यकता को पूरा करता है जब हम उसके पास, अनुग्रह के सिंहासन के पास हम जाते हैं। तो हर दिन जब हम इन वचनों को सुनते हैं तो ये वचन हमारे जीवन में हमारा मार्गदर्शन करें और हमारे जीवन को ये हौसला प्रदान करें, यही हमारे लिए आशीष और अनुग्रह का कारण है। चौथी बात हम पढ़ते हैं कि बाइबल हमें बताती है कि यीशु मसीह को ईश्वर ने मृत्यु के ऊपर भी अधिकार दिया। परमेश्वर ने यीशु मसीह को मृत्यु के ऊपर अधिकार दिया। लिखा है प्रकाशित वाक्य अध्याय 1 पद संख्या 18 कि जीवन का स्रोत मैं हूं, देखो मैं मर गया था, मैं अनंत काल तक जीवित रहूंगा, मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे पास हैं। मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे पास हैं। पुरानी व्यवस्था में हम पढ़ते हैं नबी यशायाह के ग्रंथ अध्याय 22 पद संख्या 22 में कि दाऊद के घराने की कुंजियां इलियाकीम को देने की बात कही गई है और उससे कहा गया कि दाऊद के घराने की कुंजियां मैं तेरे कंधों पर डाल दूंगा, जिसके लिए तू खोलेगा उसके लिए कोई बंद ना कर सकेगा और जिसके लिए तू बंद कर देगा उसके लिए कोई खोल ना सकेगा। पिता ईश्वर ने नई व्यवस्था में हम पढ़ते हैं कि वही अधिकार पिता ईश्वर ने यीशु मसीह को दिया और यीशु मसीह ने अपने चुने हुए दास पेत्रुस को वो अधिकार दिया और अब वो अधिकार उसके चुने हुए लोगों के पास, अभिषिक्तों के पास, जो मंदिर में प्रभु की आराधना करते, बलिदान अर्पित करते हैं, पुरोहितों के पास है कि दाऊद के घराने की कुंजियां उसके हाथ में दी गई हैं। इसलिए जिसका तुम पृथ्वी पर निषेध करोगे स्वर्ग में भी उसका निषेध रहेगा, यह यीशु ने संत पेत्रुस से कहा। तो बाइबल हमें बताती है कि यदि कोई व्यक्ति प्रायश्चित करके यीशु के पास वापस नहीं लौटता तो वह उन्हें समाप्त कर देगा। प्रकाशित वाक्य में हम पढ़ते हैं कि संत योहन 7 कलीसियाओं को संबोधित करता है, अध्याय 2 पद संख्या 18 और उससे आगे कि थुआतुरा की कलीसिया के स्वर्गदूत को यह लिखो कि वो जाए और थुआतुरा की कलीसिया से यह कहे कि जिसकी आंखें अग्नि की तरह धधकती हैं और जिसके पैर भट्टी में तपाए हुए कांसे की तरह चमकते हैं, उस ईश्वर के पुत्र का संदेश इस प्रकार है, मैं तुम्हारे आचरण से, तुम्हारे भ्रातृ प्रेम, तुम्हारे विश्वास, तुम्हारी धर्म सेवा और तुम्हारे धैर्य से परिचित हूं। मैं जानता हूं कि तुमने इधर पहले से भी अधिक परिश्रम किया है, किंतु मुझे तुमसे यह शिकायत है कि उस स्त्री इजबेल को अपने बीच रहने दे रही हो। वह अपने को नबिया कहती है और अपनी शिक्षा द्वारा मेरे सेवकों को व्यभिचार करने और देवताओं को अर्पित मांस खाने के लिए बहकाती है। मैंने उसे पश्चाताप करने का समय दिया किंतु वह
अपने व्यभिचार के लिए पश्चाताप करना नहीं चाहती। देखो, मैं उसे रोगशैया पर पटक दूंगा और यदि उसके साथ व्यभिचार करने वाले उसके कर्मों से विमुख नहीं होंगे तो मैं उन पर घोर विपत्ति ढाऊंगा। मैं उसकी संतति को मार डालूंगा और सब कलीसियाएं यह जान जाएंगी कि मैं वही हूं जो हृदयों की थाह लेता है और मैं हर एक को उसके कर्मों का फल दूंगा। ये उस प्रभु का कहना है जो जिंदा है, ये उस प्रभु का कहना जो जीवित है, जो मर गया था जो जी उठा है, जो आदि है और अंत है, जिसके अधिकार में प्रभु ने काल युग चक्र सब कुछ दे दिया है। कहता है कि थुआतिरा की कलीसिया के स्वर्गदूत को ये लिखो कि जाओ और कलीसिया के लोगों से कहो, जब जब ये वचन पढ़ा जाता है, जिस जिस कलीसिया में, जिस जिस घर में ये सुना जाता है, प्रियजनों, ये उस घर और कलीसिया के लिए लागू होता है। जब भी हम इस वचन को सुनते हैं तो इसको ग्रहण करें और प्रभु की आशीष हमारे जीवन में आएगी। तो लिखा है कि अगर कोई व्यक्ति प्रायश्चित नहीं करता, अपने कर्मों से प्रभु को अगर कष्ट देता है, उसे दुख देता है, तो प्रभु कहता है मैं उसे रोगशैया पर पटक दूंगा, मैं उसे रोगशैया पर पटक दूंगा और उसका अंत कर दूंगा। और उसके साथ व्यभिचार करने वाले लोग यदि उनके कामों से विमुख नहीं होंगे तो मैं उन पर घोर विपत्ति ढाऊंगा। पांचवा अधिकार परमेश्वर ने यीशु मसीह को दिया कि उन्हें भाग्य पर अधिकार है। जीसस हैज गॉट द पावर ओवर डेस्टिनी। वो हमारे भाग्य को बदल सकता है। परमेश्वर आपके और मेरे भाग्य को बदल सकता है। बाइबल हमें बताती है कि जब तुम मुझे पुकारोगे मैं तुम्हारी पुकार सुनूंगा और मैं तुम्हें ऐसी महान और रहस्यमयी बातें बताऊंगा जिन्हें तुम अब नहीं समझते हो। यदि तुम मुझे पूरे हृदय से ढूंढोगे तो मैं तुम्हें मिल जाऊंगा और तुम मुझे पालोगे और मैं तुम्हारा भाग्य पलट दूंगा। यिर्मयाह नबी के ग्रंथ में हम पढ़ते हैं कि मैं तुम्हारा भाग्य पलट दूंगा। तो ये बात प्रमाणित करती है कि परमेश्वर को हमारे भाग्य पर अधिकार है, यीशु को हमारे भाग्य पर अधिकार है। तिमोथी का दूसरा पत्र अध्याय 4 पद संख्या 1, जीवितों और मृतकों का वो न्याय करता है। जीवितों और मृतकों का न्याय करता प्रभु यीशु है। मत्ती के सुसमाचार अध्याय 25 पद संख्या 31 से 32 में और पद संख्या 46 में हम पढ़ते हैं कि उनके पास अधिकार है, पापी दंड भोगेंगे, धर्मी अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे। पापी दंड भोगेंगे और धर्मी अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे। न्याय के दिन वो अपने तख्त पर बैठकर उन न्याय को डिक्लेयर करेगा। जो धर्मी है, जो और जो उसकी सेवा करते हुए पाए गए, वो उनसे कहेगा आओ मेरे पिता के कृपा पात्रो, आओ और अनंत जीवन में प्रवेश करो। और वे लोग जो सच्चे नहीं पाए गए, जो प्रभु से दूर रहे, जो बुराई में फंसे रहे, कहेगा श्रापितों मैं तुमको नहीं जानता, तुम मुझसे दूर हटो। छठवां अधिकार यीशु मसीह को दिया गया है सत्य के ऊपर। ही हैज द पावर ओवर ट्रुथ। इसलिए बाइबल प्रकाशित वाक्य अध्याय 1 पद संख्या 16 में हम पढ़ते हैं कि वो अपने दाहिने हाथ में 7 तारे धारण किए हुए हैं। उसकी आंखों में से प्रकाश निकलता रहता है, उसकी आंखों में से आग की लपटें निकलती रहती हैं। His eyes are like flame of fire। तो इसलिए प्रभु के ये वचन दुधारी तलवार के जैसे हैं, जो हमें काटते हैं दोनों ओर से और हमें जीवन भी देते हैं, हमारे घावों का इलाज भी करते हैं और हमें शुद्ध भी करते हैं। एक विशेष अधिकार जो यीशु मसीह के पास है और वो है कि वो कलीसिया के शीर्ष हैं और कलीसिया उनकी देह है। कलीसिया उनकी देह है, वो मृतकों में से प्रथम जी उठने वाले हैं और वो कलीसिया
जो उनकी देह है, प्यारे भाइयों और बहनों, जब तक वह उनसे जुड़ी रहती है वो क्या करती है, उनसे सहायता प्राप्त करती है, चंगाइयाँ, उद्धार, अनुग्रह प्राप्त करती है। इसलिए जब हम दुआ करते हैं, नित्य प्रतिदिन जब हम उठते हैं, विशेष तौर पर जब हमारा एनकाउंटर यीशु मसीह के साथ हो जाता है, तो हमें इन बातों को अपने मन में, आत्मा में रिसीव करके उनके अनुसार चलने की आवश्यकता है। मैं आपके लिए प्रार्थना करूँगा ताकि परमेश्वर, जिसने यीशु मसीह को इस दुनिया में भेजा कि वो आपको उद्धार दे, जो प्रथम और अंतिम है, आपको अपने वचनों के द्वारा वो शुद्ध करे, पवित्र करे, उन्नति प्रदान करे। आज की इस प्रातः की बेला में वो आपको हर आशीष और अनुग्रह से आपको भरपूर करें, आपके बच्चे उन्नति पाएं, आपके कामकाज में, खेत खलियानों में, दफ्तरों में प्रभु आशीष दे, स्वर्गदूत आपका संरक्षण करें, और दफ्तर जाते समय, यात्रा में रहते समय परमेश्वर आपको हर एक दुर्घटना से बचाए। इस विशेष कृपा के लिए मैं प्रार्थना करूंगा। दया करने वाले, चंगा करने वाले यीशु राजा, मैं विश्वास करता हूं आप आदि हैं, अंत हैं। पिता ईश्वर ने आपको सारी पृथ्वी पर, आकाश पर, स्वर्ग पर और पूरी सृष्टि पर अधिकार दिया है। आप कलीसिया के शीर्ष हैं और कलीसिया आपकी दुल्हन और आपकी देह है। जैसे आप कलीसिया को प्रेम करते हैं, वैसे ही हम भी एक दूसरे को प्रेम करने वाले बन जाएं। आज के ये वचन हमारे जीवन में 100 गुना फल लाए और हम दृढ़ विश्वासी बन सके। प्रातः की इस बेला में दिव्य वचन के माध्यम से तू अपने भक्तों का मार्गदर्शन कर और इन्हें आशीष दे, जिससे ये लोग पूरे दिन भर में तेरे वचन के मुताबिक जीवन बिता सके। इस वक्त जितने भी लोग अपनी मन्नतें प्रभु तुझे समर्पित करते हैं, तू प्रार्थनाओं को सुनने वाला परमेश्वर है, तू हमारी प्रार्थना सुनता है। इन तमाम लोगों के प्रार्थनाओं को सुनने की कृपा कर, तेरा वचन इनके जीवन में पूरा हो जाए और तू इन पर दया करे, तेरा स्वर्गदूत इनकी अगुवाई करे, जैसा इन्होंने विश्वास किया इनके जीवन में पूरा हो जाए। जो दुख में है, कष्ट में है, परेशानी में है, चिंता में है, जिनके घर में प्रभु बीमारी है, बेरोजगारी है, आर्थिक तंगियां हैं, उनको शांत बना देने की कृपा कर और उचित समय आने पर तू अपनी कृपा और सांत्वना से इन्हें भरने की कृपा कर। जैसा इन्होंने विश्वास किया इनके जीवन में पूरा हो जाए। मैं तेरी महिमा गाता हूँ, तुझे धन्यवाद देता हूँ आज के इस वचन के द्वारा। हे प्रभु, इन पर दया कीजिए, हमारी प्रार्थना सुन ले, हमारे उद्धार करता यीशु प्रभु के द्वारा। आ